भगवती नारियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल से पूजन करेंगी। वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा यश की प्राप्ति करेंगी। करक मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंच रत्न डालकर ब्राह्मण को देवें और कहें कि गणेश जी, इस करवा के दान से क्या चीज को नहीं लगानी है? बहुत काल तक करवा क्या सदा बना रहे। पता नहीं, सदा मम्मी ने काजल में सुबह से ना कुछ खाया न पिया। क्या बात कर रहा है? पानी तक नहीं पीते हैं की इच्छा करने वाली स्त्रियां मुझे तो देती हैं जो भी करवा चौथ का व्रत रखेंगी। क्यों? अरे बुद्धू, पानी नहीं मिलता है, लोग मर गया था। अच्छा, गुजरात और राजस्थान में लोग नहीं मर गए? चल चल, अरे रुकना प्लीज, देखेंगे। चल 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 चल। नीलगिरी पर तप के काजल, काजल आंटी बोल। काजल आंटी, काजल यहाँ पे है नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे हो नीरज? लो। क्या ये? भूख लगी होगी तुमको ना, लो कुछ खाए नहीं। तुम इधर जा, बाहर पे खड़ा हो, देख कोई आई नहीं। लो। पेट भर के खाना, हाँ पूरा खत्म कर, पूरा खाना। हाँ देते। सुनीति, सुनीति, ओ गॉड, कहाँ रख दिया ये फाइल? समझती नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सुनीति, यहां तो कुछ भी नहीं है। सुनीति, पता नहीं कहां चली जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है, पता नहीं कहां रखती। अब देखो मेरा सामान इधर उधर करती रहती है। क्या है? कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? ऑफिस? हाँ। बहुत मजा आता होगा ना? बहुत मजा आता। ये सुनना। नीरज, तू मुझे बाहर कब तक खड़ा रखेगा? तू यहाँ पे किसने बुलाया? काजल आंटी के कमरे में जा तू। यार तू बहुत बोर करता है, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं घर जा रहा हूँ बस। बड़े लोग बात कर रहे ना। ए, इसको लेके चल, मेरे को मजे करने। नीरज, ऑफिस जाना। हाँ। सॉरी, तू ऑफिस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि तू मर्द नहीं है। अबे जो आदमी अपनी बीवी से मार खाता है, थप्पड़ खाता है, उसे मर्द थोड़ी ना कहते हैं, इसलिए तू ऑफिस नहीं जा सकता। हाँ, अगर तू किसी तरह अपनी मर्दानगी साबित करे तो मैं सोचूंगा। कैसे कैसे कैसे? बदला ले। काजल ने तुझे थप्पड़ मारा है ना? हाँ। तू जाके लगा के उसे थप्पड़ मार, फिर तेरी मर्दानगी साबित। और फिर मैं तुझे ऑफिस ले जाऊंगा। फिर ले जाएगा? ले जाऊंगा। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ऐसे करके काजल सुनिए। कहां थी तुम? कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल मिस हो गई थी, आधी मीटिंग में आना पड़ा। थोड़ी देर रुक जाइए, चांद निकलने ही वाला है। नाटक के लिए मेरे पास टाइम नहीं, आई एम गेटिंग लेट। शंकर चाचा जी, बीबी जी, जल्दी से पूजा की थाली लेकर आइए। लाया बीबी जी।
काजल ने तुझे थप्पड़ मारा है ना, अबे तू भी जाके लगा के थप्पड़ मार उसे। काजल, काजल। बेटी ये तूने क्या किया? बदला लिया मैं मर्द बन के। ये वक्त है खैर, यू आर ड्रंक, पी कर आए तू? शराब? नहीं डैड, मैं तो मीटिंग में था। व्हाट मीटिंग? कौन सी मीटिंग? हाँ ऑफिस को बंद हुए 4 घंटे हो गए और मैंने तुझे कहा था ना आज करवा चौथ है, शाम ढलते ही घर आ जाना। कहा था ना? मैं तो मीटिंग में था। शराब? चलिए अंदर चलिए, आइए। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को, इस त्योहार के दिन एक बेटा अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और दूसरा शराब पीकर आता है। डैड मेरी एक बात मानेंगे, काजल भाभी को आजाद कर दीजिए, उन्हें जाने दीजिए, उनकी जिंदगी बर्बाद मत। उनकी बद्दुआ हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देगी, अभी भी वक्त है। हाँ बेटे, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, हमें कोई ना कोई प्रायश्चित तो करना ही है। देखो बेटा, कोई भी समझदार लड़की इस तरह सब कुछ छोड़कर नहीं आती, और वो भी पूजा। कल से ना तो अन्न का एक दाना गया तुम्हारे मुंह में, ना पानी की एक बूंद। देखो मेरा बेटा कसूरवार नहीं है, वो तो नादान है, सारा दोष मेरा ही है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूं ना। माँ जैसी माँ तो नहीं हूं, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसी फासले को दूर करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। देखो अपने शरीर को कष्ट मत दो, मुंह में एक आध निवाला डालो। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बीबी जी आपके घर से फोन है। हेलो 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 काजल, मैं रुचि। हाँ कैसी है रुचि? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, बोल। दीदी आई नो दिस इज डिफिकल्ट, लेकिन तुम्हें थोड़ा चेयरफुल रहना ही पड़ेगा, मामा तुम्हारे पास आ रही है। मामा आ रही है? हाँ वो तो शाम को ही आने वाली थी शगुन लेकर, आज करवा चौथ है ना, लेकिन मामा की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई और डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। क्यों, क्या हुआ मामा को? वही ब्लड प्रेशर शूट कर गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि मामा की 2 कोरोनरी आर्टरीज करीबन 85% बिगड़ गई है, बाईपास करवाना पड़ेगा। कब का है ऑपरेशन करवाने को? बस महीने भर में। There is no other way. ये प्रिकॉशन तो हमें लेना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ,
आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। मेरी तो चीजों को मम्मा से जरा दूर ही रखना। इस हालत में the least we want is to shop। रुचि। हाँ मम्मा। अरे जल्दी कर, टैक्सी आ गई है। जब देखो फोन से चिपक के रहती है, तू आकर नहीं फोन कर सकती। चल पहला करवा चौथ है, चल चल। हाँ मम्मा। हेलो दीदी, मैं फोन रखती हूँ, तुम जरा संभाल लेना। ओके बाय। हेलो रुचि सुन तो। कम से कम आज तो पीकर नहीं आते आप। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। लाइए मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, हटो यहाँ से। अरे अपनी रोनी सूरज जो है ना, वो जाके डैड को दिखाओ, बहुत सारी हमदर्दी मिलेगी तुम्हें। ना खानदान की बहू हो तुम, इज्जत होनी चाहिए तुम्हारी। और इससे अच्छा तरीका और क्या इज्जत कमाने। अरे जाओ जाके हमदर्दी जताओ, जाओ। गलत समझते हैं आप, वो लोग मुझ पे तरस खाते हैं, हमदर्दी नहीं जताते। हमदर्दी तो तब जताएंगे जब उन्हें मालूम होगा मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या गुजर रही है मेरे ऊपर। तो देख इस बात की, आओ आओ बता दो सबको कि मैं तुमसे प्यार करता। जाओ। आप किसी से प्यार कर ही नहीं सकते मिस्टर सुधीर खन्ना, क्योंकि प्यार आपके लिए महज एक खेल है जिसमें चित आप जीतते हैं और पट सामने वाला हार जाता है। एक दिन मोना को भी यह बात पता लग जाएगी, और अगर आपका यही रवैया रहा तो आपके घर वालों को मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुधीर शान भैया। हाँ बोली शंकर काका। नीचे काजल बीवी जी की माँ और बहन आई हैं। अच्छा ठीक है, आप जाके माँ और डैड कवर करिए। नमस्ते आंटी। आप बिना आंटी है ना, काजल भाभी की माँ। हाँ जीते रहो। हाँ यू आर रुचि। आप? मैं ये मेरा बेटा ईशान है, दो रोज पहले ही साउथ अफ्रीका से आया है, हमारा ओवरसीज बिजनेस यही संभालता है। मैं वही रहता हूँ और मुझे घर का खाना मिलता है। जाओ बेटा काजल को बुला। जी। आप भी क्या सोच रही होगी, बेटी का पहला करवा चौथ है और माँ शगुन लेकर अब आई है, मेरी तबीयत थोड़ी। माँ अब आई हैं आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे पता था आज करवा चौथ है, माँ जरूर आएंगी। लेकिन मैं कब से घर पे फोन कर रही हूँ, कोई उठा नहीं रहा है, घंटी बज रही है। वो हम लोग डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गए थे, मेरे लाख मना करने पर भी खींच कर ले गई है तुम्हारी बहन। अच्छा नीरज कहाँ है, आज तो घर पर होगा ना, चलो मुलाकात हो जाएगी। हाँ अगर आपको नीरज से मिलना है तो आपको इंतजार करना होगा। ईशान जरा अपने भैया को ऑफिस में फोन करके कहना तो सही कि रेस्टोरेंट नहीं उसके बजाय सीधे घर आ जाए। हाँ जी। वो मुझे आज खाना खाने के लिए बाहर ले जाने वाले थे माँ, लेकिन। अरे नहीं नहीं दीदी, तुम हमारी वजह से अपना प्लान चौपट मत करो, क्या सोचेंगे जीजू, और वैसे भी जीजू को कभी कभी टाइम मिलता है, सो डोंट स्पॉइल योर डे, दिस इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर यू। मामा भी यही चाहेंगे, क्यों मामा? हाँ तुम अपना प्लान कैंसिल नहीं करना बेटे, नीरज को लेकर कभी घर आ जाना। हाँ नीरज, नीरज अंकल, नीरज का? नीरज अंकल बेटे, नीरज अंकल कहो। अंकल क्यों बेटे, वो तुमसे बड़े हैं ना, तो फिर अंकल हुए। लेकिन नीरज को बच्चों से बहुत बहुत लगाव है, बहुत प्यार करता है बच्चों से। मुझे ही उन्हें देना था। नीरज जब भी बाहर जाता है ना, इसके लिए खिलौना लाता है। ये मेरा नहीं है, ये नीरज अंकल का ही है। लेकिन अब ये उसने तुम्हें दिया है ना, तो अब ये तुम्हारा ही है। आओ बेटे अंदर आओ, और भी बहुत सारे खिलौने अंदर, आ जाओ आ जाओ। आप बैठिए ना, बैठिए। क्या है ना बेटे,
नीरज ने अभी दवा ली है, वो सो रहा है। वो जब जाग जाएगा ना तो बाकी के खिलौने दिखा देगा। ये खिलौना मैं उसे दे देता हूँ। ओके अंकल। यहाँ से नहीं बेटे, बेटे यहाँ से। नीरज का फोन होगा, ऑफिस से कर रहा होगा, देर हो गई ना। हेलो। हाँ नीरज, मैं बस निकल ही रही थी, वो मम्मी और रुचि आ गए थे ना, इसलिए बहुत नाराज है तुमसे। हाँ मम्मी से बात करो। नीरज मम्मी। हेलो। नमस्ते मामा, नीरज बोल रहा हूँ मैं। नमस्ते बेटे, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? कैसी तबीयत है आपकी? अच्छी है, अब तुमसे बात करने के बाद और अच्छी हो जाएगी। बेटे कभी घर भी आया करो, माना कि हम लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं, तुम्हारी खातिरदारी में कुछ त्रुटि रह जाए, लेकिन प्यार की कभी नहीं कमी होगी। कैसी बातें कर रही हैं आप मामा, शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। मैं आपसे वादा करता हूं, एक दिन जरूर करते हैं। बस आज आप मुझे और काजल को इजाजत दे दीजिए। बड़ी मुश्किल से मैंने बुकिंग करवाई है। अगर आप फिर भी नहीं कहेंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं काजल को होल्ड नहीं करूंगी। काजल तुम्हारा बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जाओ। जाओ वरना तेरा मियां मारेगा हमें। ओके नीरज, मैं जाती हूँ। अच्छा हम लोग भी चलते हैं। ये मैं काजल के लिए लाई थी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बेटे।